गुड मॉर्निंग सर। इन दिस वीडियो वी स्टडी क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 ऑफ एक्सरसाइज 8.1। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 8, गिवन एरिया बिटवीन एक्स स्क्वायर एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड एक्स इक्वल टू 4 इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स बाय द लाइन एक्स स्क्वायर एक्स इक्वल टू 8। इट मींस सबसे पहले क्या दिया है तुम्हारा, एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर। सो वाई टेन इज माइनस वाई, इट मींस एक्स तो चेंज तो कोई होगा नहीं, माइनस वाई देन माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस वाई, सो नो चेंज, क्लियर, कोई चेंज नहीं होगा। इट मींस सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। अब इसके लिए हम फिगर बनाते हैं, एक्स एंड हियर वाई, ये जो आपका पैराबोला है इसके अकॉर्डिंग सिमेट्रिक होगा, एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग, ठीक। इट मींस एक्स के अपर में जो सेम पोजीशन होगा वही सेम लोअर में भी होगा, ठीक। दिस इज हियर एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, 1 2 3 and 4 1 2 3 and 4। नाउ सेकंड लाइन एक्स एक्स इक्वल 4, सेकेंड लाइन इज एक्स इक्वल 4, इट मीन्स दिस लाइन इज एक्स इक्वल 4, ठीक। तो एक्स इक्वल 4 एंड दिस कर्व, इन दोनों के बाउंडेड जो रीजन हुआ वो ये पूरा हुआ। अब इस बाउंडेड रीजन को एक्स इक्वल टू एक लाइन है जो क्या करती है, इसे टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। इट मीन्स ए इज लेस देन 4 एंड ग्रेटर देन 0, ये तो कंफर्म हो गया, क्योंकि ए अगर इनके बीच से नहीं जाएगा तो इट मींस इसको डिवाइड नहीं करेगा। तो एक्स इसको एक्स इक्वल ए, तो मैंने कोई भी पॉइंट ले लिया, कहीं से भी ड्रा कर दिया, ये मैंने एक लाइन ले ली, ठीक। तो इट मींस दिस इज एक्स इक्वल ए, तो ये जो पॉइंट है, इट मींस लेट हियर पॉइंट ए, ओ ए बी सी एंड दिस पॉइंट हियर x इक्वल है, सो d पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो, a कॉमा 0। c पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए x स्क्वायर इक्वल 4 आपको पता है ना, तो सो 4 कॉमा 0, ठीक। अब हम क्या करते हैं, हाँ a पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको फाइंड आउट करना होगा, तो x इक्वल 4 जैसे इसमें पुट करेंगे y की वैल्यू आ जाएगी एंड b की वैल्यू भी आ जाएगी, ठीक। इट मींस नाउ हियर a, ओके, सो कोऑर्डिनेट फॉर ऑल पॉइंट्स। नाउ कोऑर्डिनेट मींस ओ, आपको पता है ये सेंटर है, क्लियर, तो ओ देन हियर 0, 0 एंड डी देन हियर 1, 0 एंड सी देन हियर 4, 0, ओके। नाउ 4.8, इट मींस x is equal to 4, so 4.8, x is equal to 4, then here y square is equal to 4, it means y is equal to plus minus 2, it means here a coordinate is 4, 2 and b coordinate is 4, -2. If given here according question O D, इस पॉइंट को भी कुछ हम नाम देते हैं, इट मीन्स हियर ए बी सी डी, दिस इज ए एंड हियर एफ। फिर अकॉर्डिंग क्वेश्चन, एरिया O E D F O E D F O is equal to a area A B F E A, A B F E A, okay? This parabola symmetric about x-axis, since
इक्वल टू वाई स्क्वायर, या मैंने डायरेक्टली इसका अब एरिया इसका लिख रहे हैं, क्लियर। सो सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, तो जो ये एरिया होगा सेम वही एरिया होगा, ये दोनों इक्वल होंगे बिकॉज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, क्लियर। तो इस एरिया को मैं क्या लिख सकता हूँ, टू, क्योंकि पहले हमें इसका एरिया निकालना है, बस का डबल कर दो क्योंकि तो एक ही वैल्यू निकालना है। दिस पॉइंट इज 0, 0, तो अगर मैंने ये कोई लाइन ड्रा कर ली, दिस इज डी एक्स, क्लियर। सो हियर डी एक्स, तो इसके साथ रिस्पेक्ट में क्या लिखेंगे, वन, क्लियर। लिमिट क्या लिखेंगे, 0 to, अब डी का पॉइंट कोऑर्डिनेट क्या था, ए का 0, क्लियर, ए का 0। सो हम जब हमने एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया तो एक्स की वैल्यू रखेंगे, सो 0 to a। लेकिन ये ओनली इस दिस पोर्शन, दिस दिस एरिया शोइंग फॉर ओनली दिस पोजीशन, मुझे टोटल लिखना है। तो सिमेट्रिक अबाउट क्या था, एक्स एक्सिस था, तो इसका क्या हो जाएगा, डबल हो गया। एंड हियर दिस एरिया, इट मींस लेट हियर डी एक्स स्मॉल पोर्शन एंड हियर वाई, बट हियर लिमिट डी टू सी, बट x की वैल्यू में यूज करेंगे, तो यहां क्या था, a कामा 0, सो a, बट हियर c 4, 0, तो इट मींस a टू 4 दिस एरिया। तो अगर इस एरिया को भी इसमें इंक्लूड किया गया है तो क्या हो जाएगा, उसका डबल हो जाएगा। आर यू श्योर, नाउ 2, 2 ये कैंसिल आउट। अब हम y की वैल्यू क्या यूज करेंगे, कर्व से यूज करेंगे, मींस पैराबोला से यूज करेंगे। Here y is equal to root x. This is, ये कहां से राइट किया, समझ में आ गया ना, आपने कर्व से लिया। सो हियर 0 टू a एंड रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू हियर a टू 4 एंड रूट एक्स डी एक्स। रूट एक्स इट मीन एक्स पावर हाफ, तो एक्स पावर हाफ का जब आप इंटीग्रेशन करते हैं तो x पावर 3/2 एंड हियर 3/2, तो 3/2 जब हम न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। एंड हियर लिमिट 0 टू एंड हियर अगेन रूट एक्स, सो x पावर हाफ होगा, उसका जब इंटीग्रेशन करेंगे देन 3/2 एंड हियर आल्सो 3/2, फिर जब इसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, 2/3 एंड हियर a टू 4, ठीक। कॉन्स्टेंट चीज को आप बाहर कर सकते हैं, 2/3 को मैंने बाहर कर दिया और एंड हियर x 3/2 एंड 0 टू 8 एंड हियर 2/3, क्योंकि मुझे वैल्यू जो रखनी है वो x की रखनी है, ठीक, a टू 4। अब हम सबसे पहले हायर लिमिट रखते हैं, 2/3 2/3 तो कैंसिल हो गए, तो a 3/2 माइनस 0 बिकॉज x इक्वल 0 देन 0 एंड हियर 4 देन 4/3/2 एंड माइनस a पावर 3/2 तो दिस साइड, तो a 3/2 दिस प्लस साइड एंड हियर 2a 3/2 इज इक्वल टू हियर 4, 4 मींस 2 का 2 स्क्वायर बिकॉज 4, तो 2 की पावर 2 एंड हियर आल्सो पावर 3/2, सो 2 कैंसिल आउट, सो 2/3 मींस 8। So a power 3/2 is equal to here divide by 2, it means here 4. So a is equal to here 4/2/3. ये चीज मैंने कैसे लिखी, समझ में आ गया, क्योंकि दोनों तरफ से 3/2 कैंसिल करने के लिए आप क्या करेंगे, 2/3 होल बोथ साइड, 2/3 टेकिंग 2/3 पावर बोथ साइड, सो 4/2/3, तो ये यहाँ कैंसिल हो गया, तो a is equal to 4/2/3, ओके। तो ये a की वैल्यू आपकी है, अब इसको सिंपलीफाई करके ऐसे भी लिख सकते हो, 2 एंड 2/3, तो इट मींस 2/4/3, ये भी सॉल्यूशन बता सकते हो या यही बता दो। आर यू क्लियर, ये क्वेश्चन नंबर 8 क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, ओके स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 9 में 8 क्लियर हो गया आपको, अब क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो मॉड के अकॉर्डिंग दिया गया है, क्लियर। जो हमने क्लास 11th में एक चैप्टर था आपका लीनियर इनक्वालिटीज में, भी हो सकता है आपने कुछ क्वेश्चन मॉड के दिए गए हो और उसमें आपने ग्राफ बनाए, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 9 जो आपका है उसमें आपका मॉड दिया हुआ है,
ठीक है, तो जब मॉड दिया हुआ है तो मॉड को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो चीजें हमें देखनी है। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 9, गिवन हियर y इज इक्वल टू x स्क्वायर एंड लाइन हियर y इज इक्वल टू मॉड x। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें x की वैल्यू माइनस x पुट करते हैं, x हियर माइनस x, सो नो चेंज, कोई चेंज आएगा, कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज। सो सिमेट्रिक अबाउट कौन सी एक्सिस होगा, ओ वाई एक्सिस। क्लियर नाउ, तो आप पहले इसका फिगर बना लेते हैं, एक्स एंड ये वाई, दिस इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, ये हो। इट मीन्स कभी अगर आपको माइंड में ये ना आए कि हाँ किस डायरेक्शन में इस पैराबोला का इट मीन्स ओपन होगा, तो इट मीन्स आप सिमेट्रिक को निकाल करके पता कर सकते हैं कि पैराबोला किसी एक ही एक्सिस के सिमेट्रिक होगा, तो जिस एक्सिस के सिमेट्रिक होगा उसी तरफ उसका माउंट होना चाहिए, माउंट मतलब ये ओपन होना चाहिए। ठीक, दिस इज वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब दूसरी चीज जो मुझे बनानी है, वाई इक्वल टू मॉड एक्स, तो इट मीन्स क्या, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स इज वाई इज ऑलवेज पॉजिटिव, यानी एक्स की हर एक वैल्यू के लिए वाई क्या हो, पॉजिटिव। अगर इसके लिए थोड़ा सा ग्राफ बनाते हैं, इट मीन्स हम ये चीज जानते हैं स्टूडेंट, मॉड एक्स इज इक्वल टू हियर माइनस एक्स इफ एक्स इज लेस देन जीरो, ये 11th में ही आप लोगों ने पढ़ रखा है, एंड हियर एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, ये लिमिट एंड डेरिवेटिव के चैप्टर में आपने पढ़ा है। तो इट मीन्स अगर ऐसा है तो वाई को जब हम डिफाइन करेंगे यहां मॉड एक्स, ठीक, तो यहां मैंने वाई लिख, इट मीन्स अगर y is equal to minus x ले रहे और एक y is equal to x लेना होगा आपको, x की आल पॉजिटिव वैल्यूज के लिए आपको y is equal to x लेना होगा और minus x के लिए यानी x के नेगेटिव वैल्यूज के लिए y is equal to minus x लेना होगा। चलिए सबसे पहले हम फिगर बनाते हैं इसका, क्लियर, इट मींस हम y is equal to minus x का और y is equal to x का इन दोनों का बना लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने थोड़ा सा टेबल बना लिया, ठीक है, तो x is equal to 0 then y is equal to 0, here x and y iska bhi x is equal to 0 then y is equal to 0, yani ek dono mein ek point to common hai, kya ye center, center dono mein common, dusra point hum apne man se kuch bhi lete hain ya is curve mein ye value put karke solve kar lete hain intersect point kya hoga, clear, isko maine maan liya first aur ye jo likha isko second aur isko third maan, clear, so solving फर्स्ट एंड सेकंड, सॉल्यू फर्स्ट एंड सेकंड, जब सॉल्व करेंगे तो समथिंग कुछ वैल्यूज मिलेंगे। क्लियर, आप चाहे ये फिगर मत बनाइए, ऐसे डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, मैं लिखा सॉल्विंग 1 and 2, सो देन y इज इक्वल टू माइनस एक्स, सो माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर गो दिस साइड, सो हियर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू जीरो, इट मीन्स एक्स हियर कॉमन, एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, so x is equal to 0 and x is equal to minus 1, so x is equal to 0 it means y is equal to 0 and x is equal to minus 1 then y is equal to here plus 1, it means is line ke liye yani jo intercept point hoga, so intercept point of 1 and 2, it means is line aur is line ke liye, is curve ke liye, okay, kya kya hoga, 0, 0 एंड माइनस वन का वन, तो चलो ये दोनों पॉइंट हम बना लेते हैं, दिस पॉइंट इज 0, 0 एंड माइनस वन, हियर माइनस वन, हियर प्लस वन, हियर प्लस वन एंड हियर माइनस, सो माइनस वन का वन, तो माइनस वन एंड हियर माइनस वन, दिस पॉइंट, ठीक, सो ज्वाइन दिस, ठीक, ओके, नाउ सॉल्विंग फर्स्ट एंड थर्ड, अगेन सॉल्व फर्स्ट एंड थर्ड, वाई इज इक्वल टू एक्स, तो एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर, सो गो दिस साइड, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू जीरो, सो एक्स हियर कॉमन, एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, इट मीन्स एक्स इक्वल जीरो एंड एक्स इक्वल वन,
So x is equal to 0, then y is equal to 0. X is equal to 1, then y is equal to 1. Okay? So here point intercept point is 0, 0 and 1, 1. यहाँ लिखेंगे intercept point of 1 and 3. Then this. Clear? तो ये 0, 0 तो include हो ही गया. और 1, 1 जब find करेंगे 1 and here 1. Clear? So this point. Okay? And here this point is 1, 1 and this point is minus 1, 0 and it's here 1, 1 and join this 1. Clear? So this line, it means y is equal to x. यानी इस line को हम ऐसे यहाँ आगे produced कर सकते हैं. Clear? And y is equal to minus x. ये line हो गई आपकी. Okay? तो इसे भी हम आगे produced कर सकते हैं. Clear? But अगर आपसे ये कोई पूछे y is equal to mod x कौन सी लाइन होगी, तो y is equal to mod x को जब आपने एक्सप्लेन किया तो y is equal to here minus x if x is negative and y is equal to x if x is greater than equal to 0. तो it means ये दोनों लाइन, it means हम लोअर, it means y की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, it means x एक्सिस से लोअर में नहीं हो सकता. It means अगर हम ये यहां से ये पूरी लाइन ले और यहां स्टॉप कर दें फिर ये लाइन है. It means ये जो मैंने ब्लू से किया है, इट मींस ये लाइन, इट मींस हम नीचे नहीं जाएंगे, ओनली दिस लाइन, इन दोनों लाइन को अगर हम जॉइन कर दें तो देन दिस लाइन इज y इक्वल टू मोड x. ओके, अब हमें करना क्या था स्टूडेंट, हमें y इक्वल टू x स्क्वायर एंड y इक्वल टू मोड x के बाउंडेड रीजन का एरिया फाइंड करना था. तो मैंने क्या लिखा, नाउ द रीजन बाउंडेड, नाउ द रीजन बाउंडेड बाय द y इक्वल x square and y square to mod x are, यानी इसके जो bounded reason इन दोनों क्या रहा, वो कौन सा है? एक तो ये reason हो गया आपका, clear? तो इसको मैंने कुछ नाम दे दिया, and here O E B F, it means O E B F O, okay? ये पहला हो गया bounded reason, किसके किसके? y square to x square and y square to mod x. तो mod y square to mod x को मैंने दो line में convert कर दिया और ये टोटल लाइन वाइज इक्वल टू मॉड एक्स कहलाएंगे. और दूसरा ये एरिया हो गया, तो इसको भी रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने क्या कर दिया, यहां l लिख दिया, यहां m, यानी इस पर कोई पॉइंट एक m है, यहां एक l है, तो o l a m, तो वही मैंने लिख दिया कि r यानी जो बाउंडेड रीजन होगा उन दोनों का, यानी वाइज इक्वल टू मॉड एक्स एंड वाइज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, o e b f o एंड o l a m o, ये दोनों होगा. क्लियर? अब चूंकि हम ये दिखा चुके हैं कि ये जो पैराबोला है वो किस एक्सिस के सिमेट्रिक है, वाई एक्सिस के सिमेट्रिक है, तो इट मींस ये दोनों एरिया क्या होगा, इक्वल होगा. तो मैं लिख दिया सिंस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, सो एरिया ऑफ दिस एंड दिस आर इक्वल. अब हमें क्या करना है स्टूडेंट, इट मींस अगर इसका एरिया पता हो गया तो ये हम कर सकते हैं. तो सबसे पहले मैंने क्या किया, यहां से परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया. क्लियर? तो ये पॉइंट क्या है, 1 कॉमा 1, तो ये पॉइंट बी मैंने कंसीडर कर लिया, तो ये क्या होगा 1 कॉमा 0, क्योंकि ऑन एक्स एक्सिस ऑलवेज y इज 0. तो अब हमें क्या करना है, हमें इसका एरिया निकालना है, इस पूरे का एरिया नहीं निकालना है. तो चूंकि हमारी अगर हम ये देखें, ये टोटल एरिया फाइंड कर लें और उसमें से ये व्हाइट एरिया, इट मींस ये एरिया पूरा माइनस कर दें तो ये एरिया मिल जाएगा. तो स्टूडेंट हमें एरिया कैसे फाइंड करना होता है, जब हम इंटीग्रेशन के अकॉर्डिंग एरिया फाइंड करते हैं तो जो हमारी बाउंड्री होती है वो कर्व यूज करते हैं. तो यहां अब हम क्या कर रहे हैं, यहां मैंने लिख दिया एरिया ऑफ ओ ई बी एफ ओ. क्लियर? ओ ई बी एफ ओ, तो इट मींस हमें क्या करना होगा, इसका टोटल एरिया निकालना होगा इस राइट ट्रायंगल का, और उसमें से ये जो बाउंड्री बन रही है पैराबोला की, ये एरिया उसमें से माइनस करना होगा. तो वही मैंने लिख दिया, यानी ये एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ ओ डी बी ओ, इट मींस ये पूरा एरिया माइनस ऑफ ओ डी बी F O, ये चीज क्लियर हो गई. तो अब हम कैसे फाइंड करते हैं, इसको हम राइट ट्रायंगल के अकॉर्डिंग भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन राइट ट्रायंगल अकॉर्डिंग इसलिए नहीं फाइंड कर रहे क्योंकि यहां मुझे इंटीग्रेशन का यूज करना है. तो स्टूडेंट यहां मैंने क्या किया, ये इंटीग्रेशन, जब सबसे पहले इसका फाइंड करना है एरिया, देन 0 टू 1, इट मींस मैंने क्या कर लिया, छोटा सा पार्ट ले लिया dx, इसको dx मान लिया, देन हियर dx, देन हियर y, क्योंकि आपको बता चुके हैं कि जिसके एस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना होता है उसका अपोजिट यहां वेरिएबल लेते हैं. तो ये हो गया, लिमिट क्या होगी 0 टू 1. ठीक है, लेकिन ये y की वैल्यू कौन सी यूज करेंगे,
आप ये लाइन ले रहे हैं क्योंकि ये पूरा एरिया निकाल रहे हैं, तो इसकी बाउंड्री जो रही है, ये तो पैराबोला उसमें इंक्लूड हो जा रहा है, यानी ये जो बाउंड्री बन रही है वो आपकी इस लाइन की है। तो यहाँ वाई वन वाला यूज करेंगे, डिफ एंड माइनस। अब दूसरा ओ डी बी एफ, ये एफ है, ओ आपको फाइंड करना है। तो जब ये फाइंड कर रहे हैं इसका एरिया, तो बाउंड्री अब क्या हो गई, पैराबोला हो गया। तो अब यहाँ वाई की जो वैल्यू होगी वो पैराबोला फाइंड करेंगे, क्लियर। तो पैराबोला का क्वेश्चन क्या था, y इज इक्वल टू x स्क्वायर, तो इसको मैंने y2 मान लिया, क्लियर। ओके, तो y2 मान लिया, इट मींस यहां आप लिखेंगे y2 dx, क्योंकि dx तो वही छोटा सा पोर्शन हो जाएगा। लेकिन यहां लिमिट क्या होगी, 0 टू 1 ही होगी, क्योंकि स्टार्टिंग 0 एंड ये एंड ये 1, 0 टू 1। अब हम वैल्यू रखते हैं, y1 की वैल्यू यहां से क्या आई थी, x, सो 0 टू 1 x dx एंड माइनस 0 टू 1, बट y2 की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, x स्क्वायर dx, सो 0 टू 1। x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x स्क्वायर बाय 2 एंड हियर 0 टू 1 माइनस x क्यूब बाय 3 एंड 0 टू 1। वैल्यू पुट करते हैं, 1 की वैल्यू रखेंगे 1 स्क्वायर, इट मींस 1 अपॉन 2, 0 रखेंगे पूरा 0 हो जाएगा, एंड माइनस हियर 1 क्यूब, इट मींस 1, 1 अपॉन 3 एंड माइनस 0। तो जब इसको सॉल्व करेंगे 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 3, सो 1 अपॉन 6, क्लियर। अब हमें टोटल अगर रिक्वायर्ड एरिया निकालनी हो, हेंस रिक्वायर्ड एरिया, हेंस रिक्वायर बाउंडेड एरिया, अब वो लिखेंगे आप दिस पैराबोला एंड दिस इज टू इनटू, क्योंकि आपने दिखाया था ये और ये क्या था, इक्वल थे, तो दोनों का टू टाइम्स कर दो, एंड एरिया ऑफ ओ ई बी एफ ओ, सो हियर 2 × 1/6, इट मींस 1/3, दिस इज आंसर। ओके, तो अब आप कंप्लीट कर सकते हैं पूरा।